अस्सलामुअलैकुम। 6th क्लास लेक्चर नंबर 6 है ये आप लोगों का साइंस का, और इसमें आप लोगों का टॉपिक जो है वो MCQs हैं और चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपने करना है सर्कल द बेस्ट आंसर। एनिमल सेल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव, इनमें से कौन सी चीज़ है जो एनिमल सेल में नहीं होती। तो सबसे पहला जो है उसका ऑप्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियूल्स। इसमें से क्लोरोप्लास्ट है जो एनिमल सेल में नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपना खाना जो है वो नहीं बना सकते। सेकंड वाला MCQs है द पावर हाउसेज ऑफ द सेल आर, जो पावर सेल के जो पावर हाउसेज होते हैं जो उसको एनर्जी देते हैं वो कौन से होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी है सेकंड वाले का, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो इसके पावर हाउसेज कहलाते हैं। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 3 है, आमिर वॉज लुकिंग एट अ सेल थ्रू माइक्रोस्कोप एंड सा माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल मेम्ब्रेन, व्हाट कुड आमिर से अबाउट द सेल। कौन सा सेल हो सकता है इसमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है। तो वो उसका ऑप्शन जो है वो सी है कि वो प्लांट सेल हो सकता है या एनिमल सेल हो सकता है। उसके बाद है 4th वन, हार्ट, लीवर एंड ईयर्स आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल। एनिमल के किस चीज़ की एग्जाम्पल्स हैं हार्ट, लीवर एंड ईयर? तो उसका ऑप्शन ए है ऑर्गन्स, ऑर्गन्स की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद है फिर नंबर 5 है, प्लांट्स मेक देयर फूड इन लीव्स एंड इट इज स्टोर्ड इन अदर पार्ट्स बिकॉज इसका ऑप्शन डी है, दे हैव फ्लोएम टिश्यूज, क्योंकि उनके पास फ्लोएम टिश्यूज होते हैं ताकि वो फूड को अपनी लीव्स से दूसरे हिस्सों तक लेके जा सकें। उसके बाद ब्लैंक्स हैं, विच सेल पार्ट इज बींग डिस्क्राइब्ड। ए है हेल्प कीप साइटोप्लाज्म इनसाइड, कौन सी चीज़ है जो साइटोप्लाज्म को अंदर रखती है? तो वो है उसकी सेल मेम्ब्रेन। पहले का आना है, पहली ब्लैंक में आना है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद है कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटीज, सेल के जितने भी काम हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? तो वह इसका न्यूक्लियस। सेकेंड वाली ब्लैंक्स में न्यूक्लियस आना है। उसके बाद है लिक्विड फील्ड स्पेस फॉर स्टोरेज, कौन सी चीज़ है जिसमें लिक्विड फील्ड होता है? वो वैक्यूल्स होते हैं। उसके बाद है ग्रीन पार्ट्स विच ट्रैप एनर्जी, वो कौन से हैं? वो हैं क्लोरोप्लास्ट। ई है इसका क्लियर जेली लाइक मटेरियल, कौन सा होता है? वो साइटोप्लाज्म जो है वो क्लियर जेली लाइक मटेरियल होता है। उसके बाद वेन डायग्राम है, कंप्लीट द वेन डायग्राम टू शो व्हाट पार्ट्स प्लांट सेल्स हैव एंड व्हाट पार्ट एनिमल सेल है। आपने प्लांट और एनिमल के अलग अलग बताने हैं। पहले प्लांट के हैं, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल होती है जो कि एनिमल सेल में नहीं होती। एनिमल सेल में सेंट्रियूल्स और 2 वैक्यूल्स होते हैं जो कि प्लांट सेल में नहीं होते। प्लांट सेल में वैक्यूल होता है लेकिन 1 वैक्यूल होता है। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन जो मिड में लिखे हुए हैं, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि दोनों सेल्स में पाई जाती हैं। चैप्टर नंबर 2 है आपका सेंस ऑर्गन्स हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं। सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी के जो हैं वो खास किस्म के हिस्से होते हैं। दैट टेल अस व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस, जो हमें बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है। आवर आईज, हमारी आँखें, ईयर्स, हमारे कान, स्किन, हमारी स्किन, नोज, नाक एंड टंग, और हमारी ज़ुबान आर आवर सेंस ऑर्गन्स। ये सारे सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे ये हमारी हिस्से हैं जो हमें बताती हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, स्किन से हम महसूस करते हैं, नोज़ से हम सूंघते हैं, टंग से हम किसी भी जायके को चखते हैं। टास्क है आपका, आप लोगों ने MCQs एंड ब्लैंक्स को लर्न करना है और आपने क्वेश्चन को लर्न प्लस राइट करना है। उसके बाद आपने पेज नंबर 17 को केयरफुली रीड करना है ताकि अगर कोई MCQs जो है उसमें से बनता है तो वो आप लोगों को आ जाए। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़।